हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहद पर उमड़े प्रवासी वाहनों की लगी कतार। मावल से अमीरगढ़ सरहद के आगे तक लगी वाहनों की करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार। राज्य सरकार की ओर से सरहद खोलते ही प्रवासियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मावल बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। मावल से अमीरगढ़ बॉर्डर के आगे तक करीब 5 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई है। वाहन चालक उनकी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग के कर्मचारी द्वारा आवश्यक जाँच के बाद वाहनों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। राजस्थान रोडवेज की ओर से पैदल आ रहे श्रमिकों के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। बसों के माध्यम से श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। बाबू रागर के मुख्य प्रबंधक द्वारा श्री तस्तु हुसैन जी द्वारा श्रमिक यात्रियों को कर्मचारी बुलाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसमें काफी लोगों को पहुँचाने के लिए बस की व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने की तरफ से हर यात्रियों को गुजरात बॉर्डर से सुंदरपुर बॉर्डर तक छोड़ने की व्यवस्था अपने स्तर पर कर रखी है। इसमें डिस्टेंस की दूरियों को पालना भी हम लोग करवा रहे हैं, और जो भी फॉर्मेलिटियाँ हैं इनकी आरटीओ से मोहर लगवा करके वगैरह बिना जांच किए हम नहीं भिजवा रहे हैं इसको। भामा शाह की ओर से प्रवासियों को भोजन व पेयजल की उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में प्रवासी का आने की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बॉर्डर पर अस्थायी बस स्टैंड का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मॉडिफाइड लॉकडाउन होने पर राज्य सरकार की ओर से सरहद खोलते ही प्रवासियों का उनके घरों की ओर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। गत 6 दिन से लगातार प्रवासी मावल रोड होकर जिले में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आज बॉर्डर पर अलग ही नजारा देखने को मिला। मावल सरहद पर वाहनों की कतारें लगी रहीं। आलम यह था कि मावल सरहद से लेकर अमीरगढ़ बॉर्डर के आगे तक करीब 5 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। ऐसे में पुलिस कर्मियों को व्यवस्थाएं संभालने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात व अन्य प्रदेश जिलों के प्रवासी स्लीपर बस, ट्रक, छोटा हाथी, CNG, ऑटो, ट्रैक्टर, ट्रॉली व बाइकों से मावल बॉर्डर पहुंच रहे हैं, जहां उनके थर्मल टेम्परेचर व स्क्रीनिंग के बाद हाथों पर क्वारंटाइन की सील लगाई जा रही है। पैदल श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की ओर से बसों की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत आज रोडवेज की ओर से 3 बसें लगाई गई है। बॉर्डर पर प्रवासियों का हुजूम उमड़ते ही जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल मावल बॉर्डर पहुंचे, बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों से फीडबैक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर वाणिज्य कर विभाग के नाके के पास स्थित अस्थायी बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां पैदल श्रमिकों के लिए की गई बसों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रोड पर इसके ट्रैफिक कंट्रोल अनिल मोदी से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्रमिकों के लिए पैदल व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान उन्हें आबू रोड बस स्टैंड से मावल तक छोड़ने पर ऑटो रिक्शा चालक द्वारा 800 रुपए लेने जाने की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लिया। मौके पर मौजूद जिला परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने ऑटो चालकों को पाबंद करने का भरोसा दिलाया। फिलहाल मावल बॉर्डर पर कोविड-19 से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है। वहीं जांच में भी औपचारिकताओं का निर्वहन किया जा रहा है। ऐसे में जरा सी चूक सिरोही जिले से ग्रीन जिला होने का खिताब जीने का सबब बन सकती है। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।